सिकंदराबाद का इतिहास कितना गौरवशाली है, इस धरती ने कितने महापुरुषों को पैदा किया है और सिकंदराबाद के इतिहास के बिना कैसे भारत का इतिहास पूर्ण नहीं होता, इस पर रोशनी डालने के लिए सिकंदराबाद नगर में स्थित राजमहल बैंकेट हॉल में शनिवार को जेएमपीसी कॉलेज और स्वामी दयाल भटनागर लॉ कॉलेज के बैनर तले एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं द्वारा बताया गया कि कैसे भारत का सौंदर्य उसकी संस्कृति में निहित है तथा विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, धर्मों, मतों और रीति रिवाजों के बावजूद भारत का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास है, वैसे ही सिकंदराबाद का भी अपना गौरवशाली इतिहास है। सिकंदराबाद का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इतिहास विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर मुख्य वक्ता बोलते हुए विख्यात इतिहासकार प्रोफेसर एम ए लारी आजाद ने सिकंदराबाद की स्थापना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोदी वंश के शासक व संस्कृत भाषा के जानकार संगीत व साहित्य प्रेमी सिकंदर लोदी अपने जन्म दिवस एवं राज्याभिषेक दिवस यानी कि 17 जुलाई 1498 को सिकंदराबाद नगर की स्थापना की गई। उनके द्वारा कहा गया कि सिकंदर लोदी का असली नाम निजाम था, उनके निजाम नाम से ही कई शहर व ग्राम बसाए। सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र व नगर से सटे ग्राम निजामपुर को भी सिकंदर लोदी ने ही बनाया था। डॉक्टर लारी आजाद ने कहा कि साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में सिकंदराबाद ने उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर शांति स्वरूप भटनागर मिर्जा गालिब के चहेते, शागिर्द मुंशी हरगोपाल तफ्ता, ऐतिहासिक उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सीने गीतकार संतोष आनंद, वीर रस के कवि हरिओम पवार, शाकिर अंसारी, याकूब बदर, डॉक्टर फितरत अंसारी तथा नित्यानंद तुषार सरीखे इतिहासकार यहाँ पहुँचे हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपजिला अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि सांस्कृतिक व साहित्यिक विरासत समाज को बेहतर दिशा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार गंगा सरन सहानी ने की तथा संचालन संयोजक डॉक्टर मोहम्मद फारूक ने किया। कार्यक्रम के आयोजन एवं सचिव नितिन भटनागर ने अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। सेमिनार में डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर राजकुमार, राम मोहन वशिष्ठ, सैयद गुलाम अक्सरी नवकी, अतुल कुमार गौतम, मौलाना आरिफ काजमी, मुसा मुनीर, मनीष दयाल, मकसूद जालिब, अनुपम शर्मा, जूही मोनिका तथा इकबाल खां आदि ने व्याख्यान, शोध पत्र आदि पढ़े। एमएस इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गान व गीत का सुमधुर गायन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही एनसीसी कैंडिडेट ने अतिथियों सलामी देने के साथ साथ व्यवस्था की देखभाल का उत्तम कार्य किया। अंत में सचिव नितिन भटनागर ने सभी का आभार जताया और इस राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार को आयोजित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मोहम्मद फारूक और कैप्टन अतुल कुमार गौतम को उप जिलाधिकारी महोदय के कर कमलों द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य एवं बुद्धिजीवी नागरिकों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।